हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, नीट 2020 के एडमिट कार्ड जो 27 मार्च 2020 को रिलीज होने हैं वो अभी डिले हो चुके हैं। ये जो आप टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाइम्स डॉट कॉम का न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि NTA नीट 2020 के एडमिट कार्ड जो फ्राइडे से जारी होने थे वो जारी नहीं होंगे। NTA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 27 मार्च 2020 को एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड की न्यू डेट 14 अप्रैल 2020 के बाद इन्फॉर्म की जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स के इस न्यूज़ आर्टिकल में भी यही लिखा है कि नीट 2020 के एडमिट कार्ड डिले हो चुके हैं। इसमें लिखा है कि NTA इंक्वायरी डेस्क के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को इन्फॉर्म किया है कि नीट 2020 के एडमिट कार्ड 27 मार्च को रिलीज नहीं होंगे। अधिकारी ने आगे कहा है कि एडमिट कार्ड जारी होने की न्यू डेट का अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। जब उनसे नीट 2020 के पोस्टपोन्ड के बारे में पूछा गया तो बताया कि इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, इससे क्लियर हो चुका है कि 27 मार्च 2020 को एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होंगे और 14 अप्रैल 2020 के बाद ही पता चल पाएगा कि ये एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे। इससे ये जाहिर होता है कि नीट 2020 की एग्जाम पोस्टपोन्ड होना लगभग तय हो चुका है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी नीट 2020 के एडमिट कार्ड के बारे में, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके डाउनलोड का इंतज़ार कर रहे थे कि ये सोच रहे थे कि कल 27 मार्च 2020 से ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये क्लियर हो चुका है कि एडमिट कार्ड अभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की कोई नई अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।